सोलो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट भी अंडर 6 लाख रुपीज है और आप एक न्यू कार खरीदने का विचार बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 5 कार अंडर 6 लाख की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सो फिफ्थ गाड़ी की बात करें अंडर 6 लाख तो वो है मारुति की वेगनार। अगर आप भी एक टॉल बॉय हैचबैक कार लेना चाहते हैं जिसमें आपको ज्यादा स्पेस मिल सके और काफी कम प्राइस पे आपको काफी अच्छा वेरियंट मिल जाए जिसमें आपको भर भर के फीचर्स मिल जाए, जिससे आपको आफ्टर मार्केट नहीं जाना पड़े और आपको मारुति की गाड़ी मिल जाए जिसमें आपको पेट्रोल की भी इतनी चिंता नहीं करनी पड़े, क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा माइलेज भी मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं और उसके साथ साथ ये एक अपर वेरिएंट है जिससे कंपैरेटिवली आपको थोड़े बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर अंडर 6 लाख इसके वेरिएंट की बात करें तो इसके दो वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। एक है VXI ऑप्शनल जो नियर अबाउट 5,80,000 रुपीज के आसपास ऑन रोड पड़ता है, और एक है VXI 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो नियर अबाउट आपको 6,10,000 के आसपास ऑन रोड पड़ता है। तो बात करें अगर हम VXI 1.2 लीटर वाले वेरिएंट की और इसी को लेके अगर इसके स्पेसिफिकेशन और सबकी बात की जाए, सो VXI 1.2 लीटर में आपको 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 81.80 bhp की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करके देता है। फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 20.52 km तक का माइलेज कंपनी द्वारा क्लेम्ड मिल जाता है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो ये एक अपर वेरिएंट है जिसमें आपको फीचर्स काफी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको पावर स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो, फ्रंट एंड रियर एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, रियर सीट हेडरेस्ट, कप होल्डर्स फ्रंट में आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ ही इसमें आपको कीलेस एंट्री, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डुअल टोन डैशबोर्ड जैसे काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको रेडियो, फ्रंट में स्पीकर, इंटीग्रेट 2D ऑडियो सिस्टम, USB एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिल पाता। तो ऐसे में अगर इसके बेसिक फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको जो बेसिक फीचर्स होने चाहिए जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर विंडोज, कीलेस एंट्री जैसे बेसिक फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट कम है और आप एक लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचरिस्टिक कार देख रहे हैं जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाए और लॉन्ग टर्म तक गाड़ी को रखना चाहते हैं और बजट आपका 6 लाख के अंडर है तो वेगनार आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित रह सकती है। काफी सालों से भारतीय लोगों की पसंद रही है और ये CNG में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देती है। सो फ्रेंड्स, फोर्थ गाड़ी की बात की जाए तो वो है मारुति की इग्निस। मारुति की इग्निस भी वन ऑफ द बेस्ट कार है, लेकिन इनमें सेफ्टी फीचर्स थोड़े से कम रहते हैं इसलिए मैंने इनको लास्ट नंबर पे रखा है। तो मारुति इग्निस के वेरिएंट की बात करती अंडर 6 लाख आपको कौन सा वेरिएंट देखने को मिल जाता है तो इसका टॉप सेलिंग डेल्टा वेरिएंट आपको 6,25,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाता है। इसमें हाँ 25,000-30,000 रुपीज ज्यादा लगते हैं, लेकिन आपको इसमें फीचर्स भी मिल जाते हैं कंपैरेटिवली बेस वेरिएंट से। बेस वेरिएंट में आपको कोई भी फीचर नहीं मिलते और उसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है जो कि सिग्मा 5,60,000 रुपीज तक। तो अगर आप थोड़े से पैसे यानी 6 लाख अगर आपका बजट है और आप थोड़े से पैसे एड ऑन करते हैं तो आपको बाहर से फीचर नहीं डलवाने पड़ेंगे, सारे कंपनी फिटेड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो और इस मारुति इग्निस का डेल्टा वेरिएंट टॉप सेलिंग वेरिएंट भी है जिससे आपको इसकी रिलायबिलिटी का पता, जिससे आपको ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिल सकता है। तो बात करें इसी वेरिएंट यानी डेल्टा वेरिएंट के फीचर्स की तो इसमें आपको 1197 सीसी का 1.2 लीटर VVT पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 81.80 bhp की पावर 113 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क देखने को मिल जाता है। कंपनी द्वारा क्लेम्ड माइलेज की बात की जाए तो वो है 20.89 kmpl तक का। साथ ही एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको रेडियो, ऑडियो कंट्रोल, फ्रंट में स्पीकर, इंटीग्रेट 2D ऑडियो सिस्टम, USB ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिल जाता है। वैसे तो अगर आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं वेगनार या फिर इग्निस तो दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपको सेम ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे कोई ऊपर नीचे ज्यादा फीचर्स आपको फर्क नहीं देखने को मिलने वाला। अब बात करें मेनली सेफ्टी की तो इसमें आपको ABS, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी अलार्म, 2 एयरबैग्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, साइड इंपैक्ट बीम्स, एडजस्टेबल सीट्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, सेंट्रल माउंटेड फ्यूल टैंक, EBD जैसे फीचर्स देखने को आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट कार भी आप इसे कह सकते हैं अंडर 6 लाख ऑन रोड की प्राइस रेंज में। देन बात करें थर्ड नंबर वाली गाड़ी की तो वो है रेनॉल्ट की ट्राइबर। तो अगर आप 6 लाख के आसपास एक 7 सीटर कार खरीदने का विचार बना ही रहे हैं तो रेनॉल्ट ट्राइबर का बेस वेरिएंट आपको नियर अबाउट 6,09,000 रुपीज का ऑन रोड देखने को मिल जाता है जो कि RXE बेस वेरिएंट। इसमें आपको फीचर्स तो नहीं मिल पाते लेकिन एक बड़ी गाड़ी देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ साथ एक काफी ब्यूटीफुल, काफी बड़ी, कंपैरेटिवली 6 लाख में आने वाली गाड़ियों से काफी बड़ी गाड़ी आपको मिल जाती है 6 लाख ऑन रोड में। तो अगर आपका बजट भी कम है तो आप एक बार इस गाड़ी को देखने के लिए विजिट कर सकते हैं। रेनॉल्ट ट्राइबर के बेस वेरिएंट की बात की जाए तो इसमें आपको फीचर्स तो नहीं मिल पाते लेकिन इसमें आपको 999 cc का
पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 71 bhp की पावर एंड 96 nm तक का टॉर्क जनरेट करके दे देता है। फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये 17.65 km तक का माइलेज आपको देखने को इस गाड़ी में मिल जाता है। नंबर सेकंड गाड़ी की बात करें तो वो है Hyundai की सेंट्रो। Hyundai की सेंट्रो भी काफी सालों से भारतीय लोगों की पसंद रही है। Hyundai सेंट्रो के वेरिएंट की बात करें तो इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट आपको 6 lakh rupees ऑन रोड में देखने को मिल जाता है। ये भी सीएनजी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। साथ ही अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 1086 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 68.05 bhp की पावर 99.04 nm तक का टॉर्क जनरेट करके देती है। फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो 20.3 km तक का माइलेज इसमें आपको देखने को मिल जाता है। स्पोर्ट्स वेरिएंट होने के नाते इसमें आपको रेडियो, मिरर लिंक, फ्रंट एंड रियर में स्पीकर, इंटीग्रेटेड ट्यूनिंग ऑडियो सिस्टम, यूएसबी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 6.95 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड मिरर लिंक सपोर्टेड मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको रियर में भी स्पीकर देखने को मिल जाता है। टोटल स्पीकर्स की बात करें तो 4 स्पीकर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका बजट नियर अबाउट 6 lakh rupees है जिसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ साथ काफ़ी सारे फीचर जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित रह सकती है और ये वन ऑफ द वैल्यू फॉर मनी कार आप इसे कह सकते हैं 6 lakh की प्राइस रेंज में। एंड बात कर नंबर 1 गाड़ी की तो वन एंड ओनली टाटा टियागो नंबर 1 पे आती है। अभी तक टाटा पंच लॉन्च नहीं हो पाई और इसकी प्राइसिंग का कुछ भी पता नहीं चल पाया, इसलिए मैंने उसे इस लिस्ट में नहीं लिया है। बाकी अगर आपको टाटा टियागो की जगह टाटा पंच लेना चाहते हैं तो भी आपको अगर सेम प्राइस रेंज मिल रही है तो आप इसे जरूर ले सकते हैं। टाटा टियागो के बेस्ट वेरिएंट की बात की जाए अंडर 6 lakh ऑन रोड तो वो है इसका XT ऑप्शन वेरिएंट जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो टाटा टियागो XT भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित रह सकती है। टाटा टियागो XT ऑप्शन की अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें आपको 1199 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि नियर अबाउट आपको 84.48 bhp की पावर एंड 130 Nm तक का टॉर्क जनरेट करके देता है। फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपको 21.68 km तक का माइलेज मिल जाता है। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो फ्रंट एंड रियर में स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको इंटीग्रेटेड ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाता है। सो टाटा टियागो भी इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित रह सकती है जिसमें आपको फीचर्स के साथ साथ मजबूती के साथ आने वाली एक प्रीमियम दिखने वाली गाड़ी मिल जाती है। तो यही 5 टॉप कार्स थे अंडर 6 lakh जो कि आप ऑन रोड खरीद सकते हैं। मैंने इसमें ज्यादा कारों को इंक्लूड नहीं किया जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स अगर आप भी गाड़ी से रिलेटेड इसी तरह की न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।